सो गाइज, अगर आपको भी अपने YouTube वीडियोस के लाइक्स एंड डिसलाइक्स या कमेंट्स को हाइड करना है तो कैसे आप हाइड करेंगे? ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हमें अपने वीडियोस पे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं जिनके चक्कर में हमें उन कमेंट्स को हाइड करना होता है। ऐसे ही जब डिसलाइक्स की संख्या बढ़ने लगती है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वीडियोस पे लाइक्स एंड डिसलाइक हो, तो पर वो दूसरे जो भी नए विजिटर्स आ रहे हैं, उन विजिट करें, उनको वो दिखाई न दे, ताकि उनको जब पहले से ही दिख जाता है कि डिसलाइक्स की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब वीडियो इतना इफेक्टिव है नहीं या वीडियो में दिखाया हुआ कंटेंट इतना अच्छा है नहीं। ऐसे में क्या होता है, नया व्यूअर स्किप करके आगे बढ़ जाता है और आपके वीडियो को देखता नहीं है। तो उस सिचुएशन पे ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपने हाइड कर लेने हैं अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को वीडियो के, ताकि वो हाइड करने के बाद नए व्यूअर को कम से कम ना दिखाई दे और कम से कम उस वीडियो को देखे और देखने के बाद उस पर रिस्पॉन्ड करे। करेंगे कैसे, ये बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप चाहें तो वीडियो को अपलोड करते समय आप उसको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, या फिर वीडियो को अपलोड हो जाने दीजिए। कुछ समय बाद जब आपको लगे कि आप नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आने लगे, या कोई भी दूसरा पर्पज़ हो सकता है जब आपको ये लगे कि आपको अब अपने YouTube वीडियो के कमेंट को हाइड कर लेना है, या फिर उस पर अवेलेबल जो भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं आपको उनको हाइड कर लेना है, तो करेंगे कैसे देख लीजिए। इसके लिए सिंपली आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ोन पे ही ये कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप डेस्कटॉप पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले वाइट्यू स्टूडियो को ओपन कर लेना है। जब आप वाइट्यू स्टूडियो को ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद अगला काम आपको ये करना है कि आपको जिस भी वीडियो के कमेंट्स को, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को हाइड करना है, आपको टैग करना है उस वीडियो पे। जैसे आप उस वीडियो पे टैग करेंगे, टैग करने के बाद ऊपर आपको देखेंगे पेन आइकन दिखाई देगा। ये आप अपलोडेशन के टाइम पे भी कर सकते हैं, आपको पेन आइकन पे हिट करना है। जैसे आप पेन आइकन पे हिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे साइड में आपको दिखाई देगा एडवांस सेटिंग। एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ हाइट, सॉरी एडवांस सेटिंग्स पे। जैसे मैं एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे कैटेगरी आती है। अगर आपको कैटेगरी चेंज करनी है तो आप यहीं से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक करना है और यहाँ से कैटेगरीज को चूज करना है। सेकंड ऑप्शन, यहीं से आप लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं वीडियो के लिए। आपको क्रिएटिव कॉमन्स में रहना है एट्रीब्यूट, या फिर आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस इनेबल करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे अलाउ कॉमेंट्स, यूजर कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो। ये दोनों ही ऑप्शंस को, अगर आपके आपको दोनों चीज़ें हाइड करनी है, कमेंट्स भी हाइड करना है, तो पहले ऑप्शन को आप इनेबल करिए और दूसरे ऑप्शन को इनेबल करिए। अगर आपको सिर्फ हाइड करने हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो आप यहाँ पे जो अवेलेबल सेकंड ऑप्शन है आप इसको डिसेबल कर दीजिए और पहले ऑप्शन को आपको इनेबल रखना है। दोनों चीज़ें आपको हाइड करनी है तो दोनों ही ऑप्शन को डिसेबल करिए, और ऊपर जो ऑप्शन अवेलेबल है सेव का, आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। और जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। फिर जो भी नया विजिटर्स आता है, जो भी नया व्यूअर आता है, वो आपके वीडियो पे अवेलेबल पहले के कमेंट्स को और ना ही लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देख पाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट भी कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड हो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।